सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। आपने अपनी कक्षा में श्याम पट देखा है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी आकृति को बनाते हैं तो वह कुछ विशेष रेखाओं से मिलकर बनती है। आइए अब हम ऊपर दी गई श्याम पट की आकृति को गौर से देखते हैं तथा इस आकृति में प्रयोग की गई रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो खड़ी अवस्था में दिखाई देती हैं, उन्हें हम खड़ी रेखाएं कहते हैं। अतः इस श्यामपट की आकृति में दो खड़ी रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो पड़ी या लेटी अवस्था में दिखाई देती हैं, उन्हें हम पड़ी रेखाएं कहते हैं। इस श्यामपट की आकृति में दो पड़ी रेखाएं हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्यामपट की आकृति में दो खड़ी रेखाएं हैं और दो पड़ी या लेटी रेखाएं हैं। आइए बाल्टी की आकृति में प्रयोग की गई रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो कुछ तिरछी दिखाई देती हैं, उन्हें हम तिरछी रेखाएं कहते हैं। इस बाल्टी की आकृति में दो तिरछी रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम मुड़ी या वक्र रेखाएं कहते हैं। इस बाल्टी की आकृति में एक मुड़ी या वक्र रेखा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बाल्टी की आकृति में दो तिरछी रेखाएं हैं और एक मुड़ी या वक्र रेखा है। आहा, कितनी सुंदर रंगोली है। आइए इसे हम ध्यान से देखते हैं। दी गई रंगोली खड़ी, पड़ी, तिरछी या मुड़ी रेखाओं से मिलकर बनी है। दी गई गुलाबी रंग की खड़ी रेखाओं को उठाकर रंगोली में उनकी सही स्थान पर रखते हैं। इसी तरह हरे रंग की पड़ी रेखाओं को उठाकर रंगोली में उनकी सही स्थान पर रखते हैं। अब नारंगी रंग की तिरछी रेखाओं को उठाकर रंगोली में उनके सही स्थान पर रखते हैं। नीले रंग की मुड़ी रेखाओं को भी उठाकर रंगोली में उनके सही स्थान पर रखते हैं। सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट।